जरा सोचिए कि आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ सोए हों और अचानक से रात में आपके बेडरूम की छत को तोड़ता हुआ एक गोला आपके घर में आकर गिर जाए और आपका घर पूरी तरह से तबाह हो जाए, तो आप क्या करेंगे? बॉर्डर के साथ लगे इलाकों में रहने वाले लोग हर रोज इसी डर के साथ अपना दिन शुरू करते हैं और रात में दहशत के माहौल में सोते हैं। इन लोगों के घर की छतें टूट जाती हैं, दीवारें ढह जाती हैं और यहाँ तक कि इस गोलीबारी में उनके बच्चे भी घायल हो जाते हैं। ये लोग घर से बाहर निकलते हुए डरते हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से होने वाली फायरिंग में इनकी जान जा सकती है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान अब तक 40 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। इस फायरिंग में भारत के 3 जवान शहीद हुए हैं, जबकि भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के 7 जवानों को मार गिराया है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स की 11 चौकियां तबाह कर दी हैं। भारत से करारा जवाब मिलने के बाद पाकिस्तान की सेना अब बॉर्डर के साथ लगे गाँवों को निशाना बना रही है। पाकिस्तान ऐसे हालात पैदा कर रहा है ताकि बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोग डर जाएं और वहां के बच्चे स्कूलों तक न पहुंच पाएं। पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से इस इलाके में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में रहने वाले बच्चों को शिक्षा से दूर रखने का षड्यंत्र रचा है। ये पाकिस्तान की खीज है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो शांत नहीं हो रही है, तभी वो रह रहकर सीज फायर कर रहा है और गोली और मोर्टार दाग रहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।